खाद विभाग का अजीबो गरीब हाल। तो सबसे पहले तो पांच फैमिली में ये चार फैमिली बच्चे परिवार का नाम आया है, उसके बाद मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, और इधर देखिए तो संख्या चार दिया है और हम लोग पांच आदमी हैं। आदमी का नाम है कार्ड में, चार आदमी का नाम है। ऐसे आदमी कितना है आप लोग? पाँच गो। पाँच आदमी है। हाँ। सरकारी लाभ मिल पाता है आप लोगों को? कोई लाभ नहीं मिला है। राशन कार्ड आप ही का है? जी सर, मेरा ही है। अच्छा, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है सर, आदमी हम लोग फैमिली पांच हैं सर, और जो है कि इसमें राशन कार्ड में चार नाम आया है। उसके बाद डीलर को भी पूछे तो बोलता है सर ये ऊपर से होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा दिन राशन पानी दिया, उसके बाद डीलर जो है कि राशन सही टाइम पे नहीं दे। कितने दिन से नहीं ले रहे राशन? अभी तो छः महीना से राशन, छः महीना से नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे हैं सर। यही दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत आ रहा है। और जो है कि इसमें जो जाते हैं राशन वाला डीलर जो है कि बहाना मारता है, आ जाइए कल आइए, देवे नहीं करता है। हाँ, इसमें मेन 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 आदमी का नाम ही नहीं है सर, मुख्य आदमी जो मेरा नाम है। आप ही का नाम नहीं है इसमें? मेरा ही नाम नहीं। किसका किसका नाम दिया? मेरा तीन बच्चे का नाम है, मेरा फैमिली का नाम है। अच्छा, और उसके बाद मेरा नाम ही नहीं है इसमें कहीं। तो अभी तक आप सुधार के लिए कहीं गए? अभी तक तो हमने कोशिश की है, लेकिन कहीं हमको पता नहीं लग रहा है कहाँ से किससे करें, कहाँ जाएं। मूर्ख आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे सर खोजने के लिए इसको। अच्छा, तो इसीलिए आप तो मेहरबानी हुआ आपका, रास्ते में चलते चलते मिल गया थोड़ा सा, तो हमको पता लगा तो आपसे संपर्क किए सर। अच्छा, इसके लिए आपको दिक्कत भी होता होगा अभी बहुत? दिक्कत आपका हर काम में दिक्कत है सर, जब राशन कार्ड सही नहीं है तो मेरा कोई काम में सब काम में दिक्कत हो रहा है यहाँ। क्या क्या काम नहीं हो रहा है? अब मेरा नए बाथरूम लेटरिन नहीं है, अभी आवास वास नहीं है, मेरा पास में कुछ नहीं है। आयुष्मान भारत भी कार्ड नहीं बन रहा है इसी के कारण से। तो अब कहाँ हम बोखेंगे सर, बताइए। क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम दिनेश पंडित, कहाँ मरंगा का हूँ। खाद विभाग की अजीबो गरीब हाल पर पूर्णिया के भारतीय खाद निगम राज्य परामर्श समिति के सदस्य दीपक कुमार सिन्हा दीपू ने संज्ञान लेते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक राशन कार्ड देखा होगा जिसमें फोटो पांच दिख रही है लेकिन आदमी की संख्या है चार है। ये राशन विभाग की लापरवाही पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आपके द्वारा ये अभी संज्ञान में लाया गया है, ये निश्चित रूप से विभाग की लापरवाही है। इस पे हम अपने स्तर से निश्चित रूप से सदर अनुमंडल पदाधिकारी को एक पत्र लिखेंगे कि भाई इस ढंग की त्रुटियों पे आप जल्दी से रोक लगाइए, नहीं तो आम जनमानस को जो सुविधाएं भारत सरकार दे रही है वो नहीं पहुंच पाएगी। लोग पिछले कई महीनों से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वजह सिर्फ यही है कि इसके नाम नहीं होने से, और वो भी परिवार का मेन मुखिया है। जी, ये बड़ा दुखद है कि आप पांच मेंबर का फोटो उठाते हैं और मेन अभिभावक का ही नाम नहीं है। इस पर हम निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी को हम इस संज्ञान में भेजेंगे कि ऐसी लापरवाहियों के लिए निश्चित रूप से कड़ाई से काम करें ताकि लाभुक तक लाभ पहुंच सके। क्या सुधार की जरूरत है जो कि खाद विभाग के द्वारा? देखिए, अब शिकायतें बहुत है और निश्चित रूप से सुधार बहुत जरूरत है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम जो अनाज खरीद कर भंडारण करके आम जनमानस तक पहुँचाना चाहती है उसमें त्रुटियां है। तो निश्चित रूप से हमको एक दायित्व मिला है, राज्य परामर्शदात्री समिति सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, हम इस पूरे सीमांचल की बातों को केंद्र तक भी पहुंचाएंगे और यहाँ के जो भारतीय खाद्य निगम के अंचल में बैठे हुए लोग हैं वहाँ तक इस समस्या को उठाएंगे जरूर हर बार। साथ ही भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से मेरा जरूर प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ किसान हो या जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुक हैं, उन लाभुकों तक पूरा 100% अनाज मिल सके, ये हम प्रयास जरूर करेंगे पूरे सीमांचल और कोसी के लोगों के लिए। परिचय बताते हैं, दीपक कुमार सिन्हा दीपू, भारतीय खाद्य निगम राज्य परामर्शदात्री समिति सदस्य।